नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमैरा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर, मेरे साथ मौजूद हैं प्रतिमा, प्रीति और रवि। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ है। नमाज पढ़ रहे लोगों का पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप। नाराज लोगों ने इंद्रलोक थाने का घेराव किया। आरोपी पुलिसकर्मी को दिल्ली पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब घेराव किया इंद्रलोक में। ये पूरा घटना हुई जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग। नाराज लोगों ने इंद्रलोक थाने का घेराव किया। आरोपी पुलिसकर्मी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जगह जगह पर निगरानी रखी है और लोगों का कहना है कि जो दोषी पुलिसकर्मी इस वक्त हम इंद्रलोक इलाके मौजूद है। काफी लोग गुस्से में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे यहाँ पर रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे लगातार लोग जो है वो नाराजगी के चलते नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस जो है काफी तादाद में नाराजगी की जा रही है। और इंद्रलोक में ही मौजूद है इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विवेक शर्मा। विवेक, अभी क्या स्थिति है और क्या जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है आरोपी पुलिसकर्मी को, उसके बाद संतुष्ट हैं वो तमाम लोग जो हंगामा कर रहे थे? देखिए इस वक्त हम इंद्रलोक में मौजूद है जहाँ पे आरएएफ और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों को काफी तादाद में तैनात किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ शकील मौजूद है। शकील से सीधे बातचीत करते हैं। शकील जी, जिस तरह से वीडियो सामने आया उसके बाद आप लगातार मांग कर रहे थे कि आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाए, तो अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब पूरे तरह से संतुष्ट हैं आप लोग? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, और क्योंकि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया और उसकी कॉपी हमें डीसीपी साहब ने ये कॉपी हमें दे दी है, तो मैं कहना चाहूँगा अपने सभी भाइयों से साथियों से कि अब हमें इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। 3 महीने के लिए उसे सस्पेंड कर दिया है और हम लोग कोर्ट में इसका केस लड़ेंगे। अब इस समय शांति बनाए रखें, देश में अमन और शांति पैदा रखें और यहाँ पे भीड़ ना लगाएं, जमावड़ा ना लगाएं, क्योंकि पुलिस ने हमारी मांग को माना है और ऐसे पुलिस वाले को दोषी मान लिया गया है। यहाँ पे कुछ लोग आए थे तो उन्हें समझा बुझा के भेज दिया गया है? हाँ बिल्कुल, उनको समझा के भेज दिया गया है, क्योंकि इस देश में सांप्रदायिकता नहीं फैलानी है, हमें भाईचारा बना के रखना है हमेशा, और ये भाईचारे का देश है और हमने एक भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पर रास्ता पहले ब्लॉक कर दिया गया था, उसे खोल दिया गया है। आरएएफ के जवानों को भी यहाँ पे एहतियात के तौर पर तैनात किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे आरएएफ के जवान जो है वो आपको नजर आएंगे, जो कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं और चप्पे चप्पे पर यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, तो आरएएफ के जवानों की टुकड़ी को यहाँ पर तैनात किया गया है एहतियात के तौर पर। समझा बुझा कर लोगों को घर भेजा जा रहा है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो किसी भी तरह का रिस्क पुलिस नहीं लेना चाहती। पुलिस का कहना है कि यहाँ पे लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है। जो लोग आसपास खड़े हैं, जो भीड़ कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे आरएएफ के जवानों की टुकड़ी को भी तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी, स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी के कई अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से तकरीबन 1 से 1.5 बजे के आसपास जो वीडियो सामने आया था जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी 2 लोगों के साथ अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है, वो नमाज पढ़ते लोगों के साथ अभद्रता करता नजर आ रहा है, तो उसको देखते हुए पुलिस ने एक्शन ले लिया है और भी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। पहले यहाँ पे रास्ता जो है वो चारों तरफ से बंद था, पुलिस ने समझा बुझा कर लोगों को घर भेजना शुरू कर दिया है और रास्ते को खोल दिया है। शुक्रिया विवेक आपका इस जानकारी के लिए। यानी अब इस पूरे इलाके में शांति है और हंगामा जो है वो बंद हो चुका है, क्योंकि डिमांड्स जो तमाम लोग कर रहे थे कि इस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाए, एक्शन हो चुका है। इंद्रलोक हंगामे पर दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। कहा गया है कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया जा रहा है, और जो ताजा जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं, जो आरोपी पुलिसकर्मी था इस मामले में उसे सस्पेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए, जैसा कि तमाम लोग डिमांड कर रहे थे। दोपहर को जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, कुछ लोग सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे और उसी वक्त एक पुलिसकर्मी ने नमाजियों के साथ बदसलूकी की थी। Thank you.
कार्रवाई की है। इस संज्ञान लेते हुए इस मामले में पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दोपहर में ये तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद लोगों की नाराजगी बढ़ी, थाने का घेराव किया गया, डिमांड की गई कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। विवेक, क्या अब इस पूरे के पूरे मामले को पुलिस ने जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई है और पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, 3 महीने के लिए सस्पेंशन हो गया है, अब तमाम लोगों की नाराजगी को शांत कर लिया गया है, खत्म समझा जाए ये मामला? देखिए बात की जाए तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका कहना है कि वो यही चाहते थे कि आरोपी जो पुलिस वाला है उसे सस्पेंड कर दिया जाए। तो अब उसे सस्पेंड कर दिया गया तो ये लोग निश्चिंत हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस और आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ठीक इसी जगह की ये वीडियो जो वायरल हो रही है वो थी, और यहाँ पर जो सड़क के ऊपर नमाज पढ़ा जा रहा था तकरीबन 1 से 1.5 बजे के आसपास की बात है, और यहाँ पर जब नमाज पढ़ी जा रही थी तभी एक पुलिसकर्मी जो यहाँ पर नमाजियों को हटाने की कोशिश कर रहा था उसने यहाँ पर एक दो नमाजियों से बदतमीजी की, जिसके बाद वो वीडियो तो हमने देखा। लेकिन विवेक ये बताइए कि नमाज सड़क पर पढ़ने की नौबत क्यों आई? देखिए यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो यहाँ पे लगातार नमाज पढ़ते रहते हैं और यहाँ पर जो है किसी भी तरह की दिक्कत वो लोगों को नहीं देते, और आज अचानक क्या हुआ जो पुलिसकर्मी यहाँ पे हटाने आ गए। तो यहाँ पर जो ये जगह है इसके ठीक सामने आपको ये मस्जिद नजर आएगी, ये मस्जिद के ठीक सामने ये सड़क है जो कि 30,000 कोर्ट की तरफ जाती है, और यहाँ पर आधी रोड पर हर शुक्रवार को बताया जाता है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे नमाज पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपसे पूछूंगा एक सवाल का जवाब मेरा चाहिए कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी तो सड़क पे नमाज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्या वजह थी? सड़क पे नहीं पढ़ी है नमाज, सड़क नहीं पढ़ी थी, यहाँ साइड में पढ़ी थी नमाज, साइड में पढ़ रही थी। हाँ ये वीडियो है मेरे पास, ये देखो ये साइड है, सड़क चालू है, देखो सड़क चालू है, आधी सड़क जो है पूरी चल रही है, ये पूरी देखो लात मार रहा है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये तपरी मार, नमाज पढ़ने की जरूरत क्या हुआ, क्या यहाँ पे रोज पढ़ी जाती है? नहीं नहीं ये कभी कभी ऐसा होता है ना जल्दबाजी में जो है ना यहाँ साइड में पढ़ लेते हैं, जल्दबाजी में जगह जुमा आता है, जुमे की भीड़ होती है, काफी दूर से अतराफ से आदमी लोग आते हैं यहाँ पे तो भीड़ हो जाती है, भीड़ होने की वजह से यहाँ पे, भीड़ होने की वजह से हमने रोड को रोका नहीं है, रोड को नहीं रोका, रोड चालू था तो वीडियो में दिख रहा है, रोड चल रहा है। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट की बात थी बस, उसने आके लात मारी है। तो आप लोग संतुष्ट हैं अब जिस तरह से एक्शन ले लिया गया? हाँ अभी जो एक्शन ले लिया गया है हम उससे संतुष्ट हैं अभी, जी जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि लोग, इनका ये कहना था कि जो आज के दिन है शुक्रवार का दिन, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए पहुँचते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर इस जगह पे जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर लोग जो है वो नमाज पढ़ते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से पुलिसकर्मी आया था और उसने नहीं, विवेक तो ये बताइए क्योंकि आप वहाँ पर खुद मौजूद हैं, उसी रोड पर मौजूद हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी, उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर आए और नमाजियों को हटाने की कोशिश की गई, नमाज जब पढ़ी जा रही थी तो यहाँ का रास्ता कुछ रुका था क्या जिसकी वजह से पुलिस ने ये एक्शन लिया और नमाजियों को हटाने की कोशिश हुई और उसी में बदसलूकी भी हो गई? देखिए बात की जाए तो इस मामले में पुलिस का कहना है कि हमने एक्शन ले लिया है लेकिन रास्ता जो है वीडियो में बंद नजर नहीं आ रहा है, हालांकि सड़क के किनारे यहाँ पर जो आधी सड़क है वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए थे, एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ से हटाने के यहाँ पर बात की जा रही थी कि यहाँ से हट जाएं, सड़क के किनारे पर भी यहाँ पे यहाँ पास पे भी आप नमाज ना पढ़ें ये कहा गया था, जिसके चलते ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल पूरी तरह से चलता रहा है। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि आधी सड़क जो है करीब वो उस पर नमाज पढ़ी जा रही थी और आधी सड़क पर जो है ट्रैफिक चल रहा था, तो पुलिस यहाँ पे हटाने के लिए आई थी और अचानक जो पुलिसकर्मी है इसने यहाँ पे जो बदतमीजी की उसके चलते गुस्से में आए। देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में लोग एक बार फिर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर लगातार उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। विवेक आप बता रहे हैं और जिनसे बात आप कर रहे हैं वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई उससे हम संतुष्ट हैं, तुरंत ही कार्रवाई कर ली गई पुलिस द्वारा, लेकिन उसके बावजूद अभी फिर वहाँ भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है, तो क्या कोई प्रतिनिधि है वहाँ पर उनका या कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है जो लोगों से कहे कि वो इकट्ठा ना हो और ये बात अब यहाँ ख़त्म करें क्योंकि कार्रवाई हो गई है, क्योंकि आमतौर पर संतुष्ट लग रहे हैं लोग लेकिन उसके बावजूद भीड़ इकट्ठा हो रही है?
देखिए इनके जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने इनको कहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाएं क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन एक बार फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। पुलिस लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। इसमें कई तो ऐसे हैं जो कि नाबालिग हैं और कई ऐसे हैं जो यहाँ पर कहीं और से आए हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। समझाने बुझाने की कोशिश की गई थी, जो सीनियर लोग थे उन्होंने भी कहा था कि आप लोग वापस चले जाएं, लेकिन रह रहकर ये लोग जो हैं एक बार फिर सड़क के बीचों बीच आ जाते हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। सीनियर अधिकारी समझाने की लगातार कोशिश में लगे हुए, इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हैं और क्या चाहते हैं। तो सीधे आगे की तरफ लेकर चलूँ तो मैं आपसे बात कराऊँ, आपसे पूछूँगा, आप लोग यहाँ पे आप आए हैं, अभी सरकार कार्रवाई तो हो चुकी है, तो आप बार बार यहाँ पे क्यों? ये पता नहीं सर, इसके लिए तो अच्छी बात है दिल्ली पुलिस ने साथ दिया है, अच्छी बात है उसमें। अब जो है अब एक बार फिर रोड पे क्यों आ रहे हैं आप लोग? पब्लिक को कोऑपरेट करना चाहिए, गलत बात है इस। अब तो जो होना था वो तो हो चुका है, अब तो सर संतुष्ट है पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट है। बाकी जो कुछ लोग हैं उधर मजा रहे हैं, गलत बात है ये। तो ये यहाँ के लोग हैं, इनका कहना है कि कुछ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं वो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल विवेक बने रही है आप हमारे साथ। और टीवी 9 भारत वर्ष भी ये अपील लगातार कर रहा है कि शांति बनाए रखें। वैसे भी इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशीलता से दिल्ली पुलिस ने भी हैंडल किया है, और जो लोग डिमांड कर रहे थे इस बदसलूकी के बाद कि पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, अब ये जानकारी साफ तौर पर मिल रही है। और प्रोटेस्टर्स को ये बता भी दिया गया है कि 3 महीने के लिए उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है जिसने नमाजियों के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन अभी भी वहां पर लोग जमा हैं। हालांकि जो नाराज लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है और उनकी जो डिमांड थी उसे मान लिया गया है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो लोग हैं वो शांति बनाए रखें, और टीवी 9 भारतवर्ष भी ये अपील कर रहा है तमाम लोगों से कि इलाके में शांति बनाए रखें।